तो आज सबसे पहले बात राहुल गांधी की। जी हाँ, राहुल गांधी ने आज राहुल गांधी के नाम का आज ऐलान हो गया कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वही केरल की वायनाड सीट से, यानी कि एक सीट से राहुल गांधी लड़ने जा रहे हैं, ये तो तय हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश की जो दोनों सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली, और जिस पर गांधी परिवार का क्लेम है कि परिवार से ही कोई लड़ेगा, तो क्या राहुल गांधी अमेठी आएंगे, अमेठी चुनाव लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, ये अभी भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। दरअसल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसका कॉल खुद राहुल गांधी को लेना है। लेकिन आज जब सीसी की मीटिंग के बाद जब कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए गए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी वेणुगोपाल से ये पूछा गया, तब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर सवाल पर ये कहा कि अभी सीसी की दूसरी मीटिंग होनी बाकी है, आप इंतजार करिए, पहले सुनिए, उसके बाद हम समझते हैं अमेठी और रायबरेली का हाल। Now this is the list decided by yesterday CEC under the presidentship of Honorable Congress President Mallikarjuna Khargechi. We are discussed the seats of the states Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh and Delhi and Lakshadweep yesterday. Next CEC meeting is on 11th. Whenever the next seat is going to be decided, we will let you know the names of the candidates. That's what I'm telling. Wait for the list. तो अमेठी को लेकर कांग्रेस आला कमान के पास जो रिपोर्ट है वो ये कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो इस बार उनकी स्थिति अच्छी है और इस बार वो चुनाव जीत सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को अपने इंटरनल रिपोर्ट और सर्वे में भेजी गई है और उनके कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी यही है कि अगर राहुल गांधी अमेठी आते हैं तो जो लोगों का मन है, जो लोगों का रुझान है, जो लोगों ने पिछली बार हराया तो उसका उन्हें पश्चाताप है, अफसोस है, तो इस वजह से इस बार राहुल गांधी जीत सकते हैं, ऐसा कार्यकर्ताओं का एक फीडबैक गया हुआ है। बावजूद इसके राहुल गांधी क्यों अभी तक रिलक्टेंट हैं, कांग्रेस पार्टी अभी तक क्यों गांधी परिवार के इन दोनों नामों को लेकर सामने नहीं आ रही? दरअसल कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राम लहर है, कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में ये चुनाव खराब हो जाए। दूसरी बात, पिछले चुनाव हारने के बाद से ये ठीक है कि राहुल गांधी के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ी है, लेकिन ये चुनाव उन्हें लगता है कि एक रिस्क लेने जैसा है। हालांकि अभी भी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को लेकर ना नहीं किया है या राहुल गांधी ने भी अभी तक मना नहीं किया है, लेकिन इस मामले में कोई भी फैसला बिल्कुल आखिरी वक्त में राहुल गांधी लेंगे, ऐसा कांग्रेस के भीतर के सूत्रों का मानना है। यानी कि कोई जल्दबाजी में कांग्रेस पार्टी यहां पर ऐलान नहीं करने वाली है, सब तरफ से असेसमेंट करने के बाद ही वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी अगर अमेठी लड़ते हैं और अपने कैंपेन में वक्त देते हैं तो देश में इकलौते ऐसे वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनकी डिमांड है पूरे देश भर में, तो कहीं अपने चुनाव में ही बीजेपी उन्हें फंसा न ले, ये भी एक बड़ी बात है जो कि कांग्रेस आला कमान के मन में चीजें चल रही हैं। दूसरी बात, कार्यकर्ता और नेता जरूर चाहते हैं, लेकिन वहां की स्थिति यह है कि एक भी कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो इस वक्त पूरे कैंपेन को राहुल गांधी के एब्सेंस में लीड कर सके। यानी कि अगर राहुल गांधी कम आए तो भी कांग्रेस के उस पूरे चुनावी कैंपेन को लीड कर सके, ऐसा कोई नहीं है। एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी का नहीं है, एक भी कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां नहीं है, जो थे वो सब या तो छोड़कर चले गए बीजेपी की तरफ या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, और समाजवादी पार्टी का समर्थन कम से कम अमेठी और रायबरेली के लिए तो बेहद अहम था। हालांकि इस बार भी समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दे रखा है, मगर राज्यसभा चुनाव में अमेठी में दो ऐसे विधायक हैं
जिन्होंने एक तरीके से बीजेपी का दामन थाम लिया है। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज के विधायक हैं, मजबूत विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को मदद करने में आगे रहते रहे हैं। इस बार वो बीजेपी के साथ हो लिए राज्यसभा में। महाराजी देवी जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी हैं, हालांकि उन्होंने वोट नहीं किया, लेकिन वो इन दिनों स्मृति ईरानी के बेहद करीब नजर आ रही है। तो ऐसे में सिर्फ कार्यकर्ताओं की फौज बची हुई है, कोई ऐसा बड़ा चेहरा, नेता, विधायक, सांसद नहीं है जो कि अमेठी में राहुल गांधी के लिए अलग से कैंपेन कर सके। जनता जरूर है और पार्टी को लग रहा है कि जनता जनता खड़ी हो जाएगी तो राहुल गांधी जीत जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता, संगठन, तंत्र सब कुछ चाहिए, और यही वो एक ऐसी वजह है जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा गले का फांस बनी हुई है। राहुल गांधी भी अगर फैसला लेंगे तो इन तमाम चीजों को दरकिनार करके फैसला लेंगे, और वो फैसला इमोशनल ही होगा ऐसा माना जा रहा है। लेकिन क्या राहुल गांधी लड़ेंगे? तो इस पर सीईसी की दूसरी बैठक, तीसरी बैठक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अगर फैसला लिया राहुल गांधी ने तो बिल्कुल आखिरी वक्त में वो अमेठी से लड़ने का फैसला लेंगे। अब समझते हैं रायबरेली, क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? सोनिया गांधी ने जब रायबरेली को अलविदा कहा और राज्यसभा राजस्थान से गई, तो उन्होंने जो खत लिखा था रायबरेली के लोगों के नाम, उसमें उन्होंने एक लाइन मेंशन किया था और कहा था कि जिस तरीके से रायबरेली के लोगों ने कांग्रेस के गांधी परिवार का साथ दिया, दामन थामे रखा कांग्रेस गांधी परिवार को, उसी तरीके से उनके परिवार को आगे भी समर्थन देते रहना है। इस बात से ये लग रहा था या लग रहा है कि कोई ना कोई गांधी परिवार का यहां से चुनाव लड़ेगा, और कोई ना कोई में अगर कोई नाम है तो वो प्रियंका गांधी का नाम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी को लेकर अभी कोई बहुत क्लैरिटी रायबरेली को लेकर नहीं आई है। पार्टी को लगता है कि ये दोनों स्टार कैंपेनर हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। राहुल गांधी तो वायनाड से लड़ रहे हैं जो कि उनके लिए सुरक्षित सीट है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी यहां फंस गई फिर क्या होगा? क्योंकि इन दोनों के बगैर कांग्रेस का पूरा कैंपेन हवा हवाई हो जाएगा। एक चर्चा ये निकली थी सूत्रों के हवाले से कि शायद प्रियंका गांधी रायबरेली नहीं लड़ेंगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये क्लियर नहीं है कि वो लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। उनके लिए भी दूसरी सीईसी की बैठक का इंतजार करना होगा। हालांकि वही बात रायबरेली में भी लागू होती है। रायबरेली के जो बड़े कांग्रेस के चेहरे थे, दिनेश प्रताप सिंह, इसके अलावा अगर देखें अखिलेश सिंह जो हुआ करते थे पहले, अदिति सिंह, ये सब के सब अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं, और इस वक्त रायबरेली से कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि प्रियंका गांधी के लिए भी कहीं ये चुनाव रिस्क ना हो जाए, और चूंकि ये पहला चुनाव होगा और पहले चुनाव में इतना बड़ा रिस्क कांग्रेस पार्टी उठाए, इसमें भी संशय है। लेकिन ये उनके घर और गढ़ की सीट है, यहाँ के लोग हमेशा से गांधी परिवार को जिताते आए हैं। ऐसे में इस पर भी नजर बनाए रखनी होगी कि क्या आखिरी वक्त में कांग्रेस पार्टी अपने इन दोनों बड़े नेताओं के लिए फैसले लेती है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इन दोनों को अपने लिए फैसला खुद लेना है।